पुष्पा 2 में होने वाली है संजय दत्त की एंट्री। पहले KGF में विलेन और अब पुष्पा 2 में भी विलेन बनेंगे संजू बाबा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अब तक जितने भी लोग पुष्पा 2 वर्सेस सिंघम अगेन के क्लैश की वजह से थोड़ा दुखी हो रहे थे, उनके लिए उससे भी बड़ी दुख खबरी है। क्योंकि अब पुष्पा 2 के साथ सिर्फ सिंघम अगेन ही नहीं बल्कि 2 और बड़ी फिल्में क्लैश करने वाली है। ये गड़बड़ है बाबा। हाँ, गड़बड़ तो बहुत बड़ी है, क्योंकि अगर ये हुआ तो पुष्पा 2 के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि टक्कर में अब थलापति विजय और रजनीकांत भी शामिल हो सकते हैं। वैसे आपके हिसाब से क्या पुष्पा 2 सिंघम अगेन से आगे निकल पाएगी, मुझे कमेंट करके बताएं। और वो कौन सी 2 बड़ी फिल्में हैं जो टक्कर लेंगी पुष्पा 2 के साथ, दैट आई विल टेल यू इन दिस वीडियो। हाय, मैं हूँ साक्षी चौहान और आप देख रहे हैं अनकट। इस साल का सबसे बड़ा क्लैश अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 और रोहित शेट्टी की सिंघम अगेन, दोनों ही बड़ी फिल्में हैं, दोनों के लिए ही पब्लिक काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और कुछ लोग तो अब तक कंफ्यूजन में चल रहे थे कि भाई पहले कौन सी पिक्चर देखेंगे, पुष्पा 2 या फिर सिंघम अगेन। लेकिन अब एक बड़ा बॉम्ब आ गिरा है, वैसे एक नहीं बल्कि 2 बोलिए। थलापति विजय की गोट ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम भी इसके साथ क्लैश कर सकती है। और अब रूमर्स ये भी हैं कि रजनीकांत की वेटियान भी अगस्त में ही रिलीज हो सकती है। थलापति विजय की फिल्म के पोस्टर्स भी रिवील कर दिए गए हैं और इस फिल्म के अंदर थलापति विजय के डबल रोल होने वाले हैं। अब देखो, ये सुनकर होश तो उड़ ही जाएंगे, क्योंकि तीनों ही बड़ी फिल्में हैं और पुष्पा 2 के सामने जब ये 3 बड़ी फिल्में रिलीज होंगी तो ऑब्वियसली बॉक्स ऑफिस पर तो फर्क पड़ेगा ही। और पहले जहां ये लग रहा था कि सिंघम अगेन हल्की पड़ जाएगी पुष्पा 2 के सामने, तो अब जब से अर्जुन कपूर का लुक रिवील किया गया है उसके चांसेस भी थोड़े कम ही लग रहे हैं। वैसे जब से ये खबर आई है कि पुष्पा 2 में संजय दत्त की एंट्री हो सकती है एज विलेन, लोगों की खुशी और एक्साइटमेंट का ठिकाना ही नहीं रहा है, क्योंकि संजू बाबा विलेन तो गजब लगते हैं। KGF 2 में भी कमाल कर दिया था उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से और अब साउथ में बाबा की डिमांड काफी ज्यादा हो गई है। लियो में भी संजय दत्त ने काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया था। तेलुगु एंड हिंदी सिनेमा में पुष्पा 2 का काफी ज्यादा क्रेज है और वहाँ इसके चलने के खूब चांसेस हैं अनडाउटेडली, बट ये क्लैश कितना अफेक्ट कर सकता है पुष्पा 2 के नंबर्स को वो तो देखो फिल्म आने पर ही पता चलेगा। बाकी सामने जो 3 बड़ी फिल्में हैं वो किस किस डेट को रिलीज होने वाली हैं उससे भी आगे पता चलेगा कि क्या हो सकता है। वैसे आप कौन सी फिल्म के लिए ज्यादा एक्साइटेड हैं और संजय दत्त एज विलेन इन पुष्पा 2, इसके बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके बताएं। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्हाट्सअप साक्षी। प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। आप देख रहे थे अनकट।